जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आज खितेश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। तो दोस्तों, नवरात्रि पर्व पे जो है हम लोग आज बात करते हैं षष्ठी तिथि की। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है, लाल रंग के जोड़े में माँ सजी है और बड़ी शुभता और सुंदर का प्रतीक है माता कात्यायनी। तो इस दिन दोस्तों आप यथोपचार षडोपचार पूजन करिए और माता का जो है खूब भजन करिए, जागरण करिए, तरह तरह के जो है उनको भोग लगाइए जो वो सुख सिखाती हैं कि हम लोगों को जो है जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, शुचिता से, शुभता से, उस प्रकार से चलने का प्रयत्न करिए, क्योंकि वही असली जीवन है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम लोग सारे आप जो भोग अर्पण करेंगे माँ को, तरह तरह के आप माँ को जो है अपनी प्रेम निछावर करेंगे, उसके साथ दोस्तों आज के दिन जो है कात्यायनी माँ को एक विशेष भोग आपको लगाना है, जिससे कि आपकी अंदर की जो है पवित्रता जगेगी। और वो विशेष भोग है सब भोगों के साथ दोस्तों शहद, जी हाँ, मधु जरूर अर्पण करिए कात्यायनी माँ को। उसको आपको अर्पण करने से जो है सुंदरता प्राप्त होगी, जी हाँ, बाहर की सुंदरता भी प्राप्त होगी, आपका तेज बढ़ेगा, रूप निखरेगा और दोस्तों साथ साथ आपके अंदर की सुंदरता भी बढ़ेगी, जो कि सबसे मुख्य विशेषता है कात्यायनी माँ की, के अंदर से शुभता प्रदान करती हैं, सुंदरता प्रदान करती हैं। और दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे मुख्य बात है कि आदमी को, मनुष्य को जीवन में अंदर से सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, बाहरी सुंदरता आवश्यक है, ऐसी बात नहीं है। बाहर से सुंदर दिखना या रूप का अच्छा होना बहुत ही शुभ लक्षण माना जाता है, लेकिन अंदर की सुंदरता उससे भी कहीं लाखों करोड़ों गुना सुंदर रूप प्रदान करती है, शुभता प्रदान करती है। तो माता को मधु अर्पण आप करिए, उससे आपको दोनों प्रकार की जो है शुभता जो है प्राप्त होगी। और दोस्तों आपको फिर ये जो है जो मधु है, जो शहद आप माता को भोग लगाएं, आप उसको अर्पण करिए, फिर जो है आप दान करिए उसका, माता को भोग लगाने के बाद ब्राह्मण महिला को, जिनके पुत्र हो, जी हाँ, जिनके पुत्र हो आप, ऐसी ब्राह्मण महिला को आप वो शहद का दान करिए और मन ही मन प्रार्थना करिए कि आपके अंदर की सुंदरता भी निखरे, आपकी अंदर की सुंदरता भी बढ़े और बाहर की सुंदरता भी, आपका तेज बढ़े, आपकी शक्ति बढ़े। शक्ति प्रदान करती हैं कात्यायनी माँ, सुंदरता प्रदान करती हैं, वो सब आपको मिले दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से ग्रह का माता के साथ, कात्यायनी माता के साथ संबंध स्थापित होता है, कौन सा ग्रह जो है समर्पित है माता को। तो यहाँ पे शुक्रदेव जो हैं माता के साथ समर्पित हैं। तो जो तुला राशि वाले हैं, तुला लगन वाले हैं, वृष राशि वाले हैं या वृष लगन वाले हैं, या जिनकी पत्री में शुक्र ग्रह कमज़ोर है, शुक्र ग्रह कमज़ोर होने का मतलब होता है दोस्तों के सुखों में जो है कमी होती है, एक ओवरऑल कमी, घर नहीं होता है किसी के पास, अपनी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, जीवन की मूलभूत जो उनको ज़रूरतें हैं जीवन की वो भी ना पूरी हो पाए, तो आप मान के चलिए कि शुक्र आपके जो हैं कमज़ोर हैं, घर में स्त्री का सुख ना प्राप्त हो किसी भी प्रकार का, तो आप मान के चलिए कि आपका शुक्र कमज़ोर है। तो जो मैं आपको मंत्र बताऊं वो शुक्रवार से शुरू करके इस दिन, मतलब षष्ठी तिथि से ही शुरू करके, माता की तिथि से शुरू करके, आप कात्यायनी माता के दिन से शुरू करके शुक्रवार का मंत्र आप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो करिए। उसके पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये मंत्र वो लोग कतई ना करें जो किसी भी प्रकार का जो है मांस मदरा का सेवन करते हों, किसी भी जनेऊ ना धारण करते हों, या अपने घर में जो है सुबह और संध्या की पूजन ना करते हों, क्योंकि दोस्तों ये जो ग्रहों का मैं मंत्र बता रहा हूँ ये गायत्री मंत्र हैं, उन ग्रहों के बड़े पूजित मंत्र हैं और बहुत ही
पूर्ण फल देने वाले हैं, बहुत ही सटीक मंत्र हैं, लेकिन इनके विपरीत परिणाम भी पड़ते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले सचेत करता हूं कि जो ये इस तरीके के सब काम करते हो वो कतई ना करें ये मंत्र को। और दूसरी बात है दोस्तों कि मैं पहले भी बताता हूं कि इस तरीके के काम बिल्कुल वैसे भी नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि मांस मदिरा जो है हिंदू धर्म में बिल्कुल निषेध है। जो करता है वो दुखी उठाता है, अपने सब प्रकार के ग्रहों को खराब करता है, कलेशों को बढ़ाता है। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है इस बात को। तो दोस्तों मैं मंत्र बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओम भृग राजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रा प्रचोदयात। जी हाँ, ये शुक्र गायत्री का मंत्र है। फिर से दोहराता हूँ दोस्तों, ओम भृगु राजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात। जी हाँ, ये मंत्र है, ये उन लोगों को करना है शुक्र षष्ठी तिथि से शुरू करके आप जीवन पर्यंत कर सकते हैं। आपके तन को लाभ होगा, सब प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे, आपके घर में सब प्रकार की सुविधाएं होंगी। और जो ये मंत्र ना कर पाए, जिनके लिए ये मंत्र नहीं है, उनके लिए दोस्तों दूसरा मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः। जी हाँ, ओम शुम शुक्राय नमः। जी, ये इस मंत्र का पाठ शुरू कर सकते हैं, वैसा ही फल प्रदान करेगा और आपके घर में सुख संपन्नता सुविधा सब प्रकार की आएगी। शुक्र ग्रह आपका अच्छा फल देने लगेगा, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा दोस्तों, जय श्री कृष्णा।